साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और आज इंडिया और यूएसए में से कोई एक टीम और सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, पर पाकिस्तान के लिए सुपर एट में क्वालिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अपने शुरुआती दो मैच हारी, जिसके बाद तीसरा मैच जो पाकिस्तान का कैनेडा के साथ था उसको पाकिस्तान ने जीता और पॉइंट टेबल में अपनी जगह तीसरे नंबर पर दर्ज की, जिसके बाद अब पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है सुपर एट के लिए तो पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला जो कि आयरलैंड के साथ है वो जीतना होगा और साथ ही साथ ये भी दुआ करनी होगी कि जो यूएसए का अगले दो मुकाबले हैं जो कि इंडिया और आयरलैंड के साथ है, यूएसए अपने दोनों मुकाबले हार जाए। पर पाकिस्तान के लिए यूएसए ही नहीं एक चुनौती है, पाकिस्तान के लिए फ्लोरिडा का जो वेदर है वो भी एक काफी बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बता दें तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला आयरलैंड के साथ है जो कि 16 जून को खेला जाएगा फ्लोरिडा में, वहीं यूएसए का भी अगला मुकाबला जो होगा वो 14 जून को आयरलैंड के साथ ही खेला जाएगा, वो भी फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। और फ्लोरिडा की अगर हम वेदर की बात करें तो फ्लोरिडा में इस वीक को अगर हम देखें तो फ्लोरिडा की वेदर रिपोर्ट में काफी ज्यादा बारिश की भावना लिखी हुई है। और इससे पहले का जो एक और मुकाबला जो श्रीलंका और नेपाल के बीच खेला गया था वो भी उसी फ्लोरिडा के ग्राउंड में ही रद्द हो गया था। तो अगर अब पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान ये दुआ करेगी कि जो पाकिस्तान और यूएसए के जो आखिरी मुकाबले होंगे वो दोनों रद्द ना हो और पाकिस्तान अपना मुकाबला आयरलैंड से जीत जाए, वहीं यूएसए अपने दोनों मुकाबले हार जाए। क्योंकि अगर यूएसए ने अपना मुकाबला खेला और मैच जो रद्द हो गया तो उसके बाद भी यूएसए को एक और पॉइंट मिलेगा, जिसके बाद यूएसए 5 पॉइंट्स के साथ सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान को वो मैच अगर वॉश आउट हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान वही पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर ही रहेगा और जिसके बाद पाकिस्तान को सुपर एट से बाहर होना पड़ेगा और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर एट में क्वालिफाई करने का सपना भी खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला खेले और आयरलैंड से जीते, वहीं यूएसए अपने दोनों मुकाबले हार जाए। और रन रेट के चक्कर में पाकिस्तान को साथ में आप ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान को अपनी रन रेट भी काफी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि वो यूएसए से ऊपर आ जाए और रन रेट में जिसकी रन रेट ज्यादा अच्छी होगी वो टीम सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।